All right, today we are going to start the third lecture of nutrigenomics. Our topic is genetic predisposition and genetic susceptibility. इससे पहले हम दूसरा टॉपिक पर आई वांट कि हमको एक रिव्यू कर लें व्हाट इज न्यूट्रोजेनोमिक्स. हाँ जी, वेरी गुड जी. फिजा अमजद. फिजा? यस मैम. यस मैम. हाउ डू यू डिफाइन न्यूट्रोजेनोमिक्स? न्यूट्रोजेनोमिक्स मीन्स जो डाइट डाइट का इफेक्ट जो होता है हमारे जीनोम के ऊपर. वेरी गुड. प्रोस्पेक्टिव साइंस है ये. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट वी गेट और इनहेरिट फ्रॉम आवर फैमिली? जीन्स और ठीक है, जीन्स हो गए, ट्रेट्स हो गए, और क्या इनहेरिट करेंगे? तहजीब फातिमा. यस मैम, प्रेजेंट. बेटा तहजीब, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू वी इनहेरिट और गेट फ्रॉम आवर फैमिली? मैम, हमें डिजीजेस या डिसऑर्डर्स भी इनहेरिट कर सकते हैं फैमिली से. वेरी गुड, वेरी गुड. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम डायरेक्टली अपनी फैमिली से इनहेरिट करते हैं, ठीक है, जिसमें एक तो सेट ऑफ जीन्स आ गए, और ऑब्वियसली वो जीन्स जो हैं डिफरेंट ट्रेट्स और डिफरेंट फिनोटाइपिकल ट्रेट्स हमारे से एक्सप्रेस होंगे. इसके अलावा वी ऑल्सो इनहेरिट डिफरेंट डिजीजेस फ्रॉम आवर फैमिली. Other than that, we also inherit different cultural practices, cultural norms, and socio-economic experiences. Okay, socio-economic experiences क्या होते हैं? ठीक है, बिल्कुल. Financial related या आपका जो social status है, वो सारी चीजें हम directly अपनी family से inherit करते हैं. ठीक है, फिर बड़े होके बाद में अपने status change कर लेते हैं, but initially we inherit these things from our family. If we talk about the possible causes of human illness, family history is one of the major or strongest cause जो के define करता है कि further आपकी life में और if an individual is at risk of developing a particular disease. अगर मैं genetically inherited diseases की बात करूँ तो उसमें कौन कौन से examples आएंगे? Diabetes, allergies, very good. Obesity. Obesity, very good. और cancer. इनसे देखते हैं बोलो social जो कि हम डायरेक्टली फ्रॉम आवर पेरेंट्स इनहेरिट करते हैं और फिर वो फर्दर हमारी लाइफ में पास ऑन होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस रेलेवेंट चेंजेस. फर्स्ट वन इज डीएनए सीक्वेंस विद अ चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम टी टू एन ए. ठीक है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है वो चेंज हो रहा है तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए सीक्वेंस चेंज. Then DNA sequence also changes with the deletion of a nucleotide. ठीक है, या तो deletion होगी या change होगा. Other than that, DNA sequence changes also occurs with the addition of a nucleotide. So these are the different types of DNA sequence relevant changes जो कि हमारी body में होते हैं and as a result of that mutation. ठीक है, तो कौन कौन से DNA sequence relevant changes हैं? हो सकती है, बट ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक बेस पेयर है वो चेंज होता है. ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म. हाउ डू यू डिफाइन म्यूटेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म? ठीक है, डिलीशन एंड एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड बेस. और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा मैम? डिफरेंट शेप्स. और ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली क्या होता है बच्चों के मल्टीपल टाइम्स में म्यूटेशन होती है. म्यूटेशन क्या है? सडन या एबनॉर्मल चेंज आपके डीएनए सीक्वेंस में आएगा
और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। ये किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी टाइम पे म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। इफ म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी जो है वो मोर देन 1% है, या मींस कि वो बार बार रिपीट हो रही है जनरेशन में या पॉपुलेशन में, तो हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सो म्यूटेशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, फिजिकल इवेंट है, फिजिकल चेंजेस आएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो रेपिटेशन है ऑफ अ म्यूटेशन ऑफ मोर देन 1%, और उसकी वजह से पॉपुलेशन लेवल के ऊपर चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, म्यूटेशन में वी हैव सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये डिफरेंट म्यूटेशन की वजह से डिजीजेस हो रहे हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म में एग्जांपल ऑफ चेंजेस इन द जेंडर और ब्लड ग्रुप टाइप का चेंज होना, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ऑलराइट, जो हमारे पॉपुलेशन में रन कर रहे हैं और पॉपुलेशन में म्यूटेशन की वजह से चेंजेस और वेरियंसेस आ रहे हैं। Now this is the main topic of our today's lecture. हमारा जो आज का टॉपिक है वो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के ऊपर है। Now how do you define a genetic susceptibility and predisposition? चलिए लिखिए अपनी नोटबुक्स पे। Genetic susceptibility or predisposition is an increased tendency in developing a certain disease because of genetic composition. So basically हम genetic susceptibility or predisposition में क्या study करते हैं कि कोई भी एक individual है based on their genetic makeup वो कितने risk पे है कि वो certain disease को develop करे। For example जैसे मैं हूँ, मेरा genetic material different है, ठीक है, आपका genetic material different होगा, सो आपकी ससेप्टेबिलिटी या आपका फर्दर रिस्क ऑफ पर्टिकुलर डिजीज वो डिफरेंट होगा, या चांस और टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू मी। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड प्रेडिस्पोजिशन ऑफ अ डिजीज, ठीक है, समझ आ गई? क्या समझ आई? क्या नाम है आपका? अच्छा, डिफरेंट होने से क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। Yes, ma'am. बच्चे क्या समझ आई है, genetic predisposition क्या है? I mean, increase the susceptibility of disease. Very good. ठीक है, ये एक major concept है जिसका clear होना बहुत जरूरी है ताकि आपको बाकी lecture समझ आ जाए। हाँ जी। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का मीनिंग यही है। इट बेसिकली एक्सप्लेन्स हाउ वेरिएशंस इन अ जीन कंट्रीब्यूट्स टू द वेरिएशन इन अ डिजीज रिस्क। एक इंडिविजुअल के जीन्स में जो वेरिएशन होंगे वो आगे प्रिडिक्ट करेंगे कि उसको आगे डिजीज हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है? कैसे जो है वो आगे पास ऑन होगी, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे कैसे पास ऑन होगी, इट इज दैट इज डिस्क्राइब्ड एज द मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो हमारी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इट इज डिपेंडेंट ऑन मोड ऑफ इनहेरिटेंस, कि कैसे आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन हुई थी और फिर कैसे आपकी टेंडेंसी टू डेवलप अ सर्टेन डिजीज वो डेवलप हुआ, ठीक है। सो इनहेरिटेंस पैटर्न्स डिस्क्राइब्स हाउ अ डिजीज इज ट्रांसमिटेड इन अ फैमिली इन फैमिलीज, and these patterns help to predict the recurrence risk for relatives. समझ आ गई कि अगर हमारा pattern, mode of pattern जो है ये basically predict करेगा कि कैसे आगे disease जो है वो transfer हुआ है और उसकी recurrence हो सकती है या नहीं हो सकती। Now this is the very important slide, जो आपका पूरा आज का lecture है वो इस slide की summary है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं factors which are associated with genetic susceptibility and predisposition, there are four important factors. मोबाइल फोन यूज करना मेरी क्लास में अलाउड नहीं है, एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माय रूल्स। अच्छा जी, सो हम अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें जो कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, नंबर वन पे वी हैव मेंडेलियन पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो वी हैव डिफरेंट मेंडेलियन पैटर्न्स ऑफ डिजीज इनहेरिटेंस, मतलब ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में पास ऑन हुई। और वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंडेलियन पैटर्न्स, वी हैव ऑटोसोमल डोमिनेंट, वी हैव ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्सलिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इनको हम डिटेल में आगे देखते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो प्रिडिक्ट करेगा कि आपको फर्दर डिजीज हो सकता है या नहीं। देन वी हैव एलीलिक हेटरोजेनिटी।
एलीलिक हेटरोजेनिटी मींस के जो हमारे एलील्स में म्यूटेशंस होती हैं और उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे वो आगे पास ऑन होंगे तो वो भी इफेक्ट करेगा हमारे डिजीज को. देन एटियोलॉजिक एटियोलॉजिक हेटरोजेनिटी एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन कॉम्बिनेशन विद द जेनेटिक्स, कि कैसे डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हमारे जो जेनेटिक्स है वो इन कॉम्बिनेशन इफेक्ट करेगा हमारी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डिजीज. ठीक है, फिर लास्ट में वी हैव एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स अगेन ये एक बहुत वास्ट टर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेट्रोजेनोमिक्स में देर आर सर्टन टर्म्स जिनका क्लियर कॉन्सेप्ट होना जरूरी है और ये सिंस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसलिए इन कॉन्सेप्ट को अगर आप इधर क्लियर कर लोगे तो आगे समझने में आसानी होगी. ठीक है, एपिजेनेटिक्स क्या है? इट इज बेसिकली अ स्टडी विच एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, कि जीन कैसे एक्सप्रेस होगा उसके मैकेनिज्म को ये डिफाइन करके और स्टडी करके, दैट इज एपिजेनेटिक्स. अब देर आर थ्री डिफरेंट एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन जो कि हमारी बॉडी में होती है जीन लेवल पे. इट इंक्लूड्स मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन, हिस्टोन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड नॉन कोडिंग आरएनए मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग. सो ये सारी जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ये हम वन बाय वन आगे कवर करते हैं, स्टार्टिंग विद ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. व्हाट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस? डोमिनेंट होगा तो क्या होगा? डोमिनेंट जीन होगा फिर क्या होगा? ठीक है, डोमिनेंट अगर जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा आपकी बॉडी में? अगर किसी डिजीज का डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होता तो वो डिजीज इनहेरिट. वेरी गुड वेरी गुड. ये कौन बोल रहा है? मैं कौन? बनाहिल. अच्छा, ये बनाहिल. वेरी गुड. बेसिकली जो हमारे ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस अगर उस पैटर्न के ऊपर जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और पास ऑन हो रही है तो डायरेक्टली एक्सप्रेस होगा और उस इंडिविजुअल के अंदर वो डिजीज जो है वो एक्सप्रेस होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स जो हैं डायबिटिक हैं और वो आगे बाई ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस उसको पास ऑन करते हैं तो डायरेक्टली उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वो एक्सप्रेस होगा और डायबिटीज होने के चांसेस. On the other hand, we have autosomal recessive inheritance. Recessive में क्या होते हैं? मैम जीन पास ऑन होता है लेकिन उसका फिनोटाइप नहीं होता. मैम पेरेंट्स कैरियर्स होते हैं लेकिन वो डिजीज नहीं कॉज करते. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, रिसेसिव मींस कि वो जीन जो है वो प्रेजेंट है बट वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है और वो बेसिकली कैरियर्स होते हैं. ठीक है, आप फर्दर इसको आगे देखो तो ये आगे ऑप्शन में काफी डोमिनेंट हो सकते हैं बट एट प्रेजेंट है कि वो आपके रिप्लेस हुआ एक्सप्रेस नहीं हुआ और अगर कोई डिजीज ऐसा है जो एक्स लिंक क्रोमोसोम से लिंक है वो डायरेक्टली जो है ट्रांसफर हो जाएगा और ऑब्वियसली वो फिर आगे एक्सप्रेस होगा. ठीक है, एलीलिक हेटरोजेनिटी एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मल्टीपल म्यूटेशंस विद इन द सेम जीन्स. मतलब हमारे एलील्स की जो म्यूटेशन होती है उसकी वजह से जो डिजीजेस होंगे वो दे आर एसोसिएटेड विद एलीलिक हेटरोजेनिटी. और इसकी एक एग्जांपल में हमारे पास है बीटा थैलेसीमिया. बीटा थैलेसीमिया में जो है हमारा बीटा ग्लोबिन जीन है उसकी म्यूटेशन होती है और उसकी वजह से आगे थैलेसीमिया पास ऑन होता है. ठीक है, एटियोलॉजिक हेटरोजेनिटी एक्सप्लेन्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक हेटरोजेनिटी. जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो और आपके जेनेटिक्स उसको रेगुलेट करेंगे और इफेक्ट करेंगे आपके डिजीज की ससेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे. एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर आल्सो नोन एज नॉन जेनेटिक फैक्टर्स. ठीक है, अब आप लोगों को अगर मैं पूछूं एटियोलॉजिक हेटरोजेनिटी क्या है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड जेनेटिक हेटरोजेनिटी. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज नॉन जेनेटिक फैक्टर्स. चले अगर कोई आपसे मैं पूछूं कि आप लोग नॉन जेनेटिक फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की कोई एग्जांपल दें. मैम कि अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है तो वो लीड कर सकता है ना डिप्रेशन को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, इट इज वन ऑफ दी फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली जीन से रिलेटेड नहीं है लेकिन एनवायरमेंट से रिलेवेंट है. लाइफ स्टाइल में आपका आ सकता है. ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल. वेरी गुड. मैम एक्सरेज भी तो रेडिएशन. मैम एलर्जीज हो सकती हैं. ठीक है, एलर्जीज मैम और हो सकती है. पोल्यूशन. वेरी गुड. और कोई एग्जांपल देगा?
और अगर मैम अगर हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखे पूरा मैम जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं डायरेक्ट जो कि कैंसर कॉज करते हैं वो भी फैक्टर्स हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं हमारा क्लाइमेट और हमारा टेंपरेचर इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि हमारा जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा अफेक्ट करेगा। देन इंक्रीज्ड हाइजीन, हाउ डज इंक्रीज्ड हाइजीन इज रिलेटेड टू द जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। How does increased hygiene is related with genetic susceptibility of diseases? Ma'am, immunity नहीं होगी फिर जब Very good. अब ये कौन था नरमी? Ma'am, Faiza Hani. Faiza Hani. Very good, Faiza. बच्चे जब increased hygiene होगी ठीक है आपकी immunity जो है वो compromise होगी antibodies भी बनेंगी और susceptibility of her disease ज़्यादा होगी ठीक है। Simple example दूंगी COVID बात करें हम बेसिकली सोयल की अगर एग्जाम्पल लें ठीक है वीट की जो प्रोडक्शन है प्लांट की वो बेसिकली डिफाइन करेगी कि वो हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट देगा ठीक है। और प्रोडक्शन इज ऑब्वियसली रिलेटेड विद द सॉइल हमारी वीट या कोई भी प्लांट है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली सॉइल से ले रहा है। इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि जो वीट क्रॉप है अगर वो उसको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा या वाटर सप्लाई कम होगी तो उस प्लांट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा ठीक है और एज अ रिजल्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी। अब आप इस टाइप का अगर प्लांट कंज्यूम करोगे अपनी डाइट में तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आएगा ठीक है। सो दैट इज हाउ द कंजम्पशन ऑफ द प्लांट्स या द क्वालिटी ऑफ सॉइल डिटरमिन्स के फर्दर आपको डिजीज हो सकता है या नहीं हो सकता ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये जो आपने वीट क्रॉप वाटर सप्लाई अगर कम होगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बताया काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। मैंने आप लोग को ये बताया कि वीट क्रॉप में अगर हम प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं और फिर अगर आप इस टाइप की क्रॉप या वीट ग्रेन कंज्यूम करोगे तो वो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देंगे और आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो ज़्यादा हो जाएगा ठीक है। ओके मैम थैंक यू। आयोडीन लेवल सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीजिंग वेल्थ ये जो वेल्थ वाला पॉइंट है ये उसी से रिलेटेड है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होगी जब आप एक्सेसिव हाइजीन की वजह से। आयोडीन के सोर्सेज क्या है? बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ है अगर आपकी डाइट में आपके लाइफस्टाइल में वो चीज़ कम है और फिर चांसेस हैं कि आपको आगे प्रॉब्लम हो जीन एक्सप्रेशन चेंज होगा। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गॉइटर। ओवरक्राउडिंग इन द चाइल्डहुड वायरस इन्फेक्शन अर्ली एक्सपोजर टू द काउस मिल्क रिड्यूस रेट्स और ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग वाइटमिन डी एंड नाइट्राइट कंजम्पशन। अगेन ये नाइट्राइट कंजम्पशन जो है वो हमारी प्लांट प्रोडक्शन से रिलेवेंट है ठीक है और वाइटमिन डी sunlight exposure ठीक है sunlight exposure से related है। So these are the examples of different environmental factors जो कि आपके gene expression को control कर रहे हैं और further diseases होने के chances increase हो सकते हैं। अब आ जाते हैं what is epigenetics लिखें। Epigenetics is the study of mechanism of gene expression during the development of complex organisms. अच्छा आपका नाम क्या है? अरुषा। अरुषा समझ आइए। अनीसा सॉरी अनीसा आपको समझ आइए क्या समझ आइए व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? इसमें जो जीन का मैकेनिज्म है
वेरी गुड, ठीक है। जीन का एक्सप्रेशन मैकेनिज्म क्या है? अब अगर मैं जीन एक्सप्रेशन की बात करूँ, उसका मीनिंग क्या है? जीन ऑन एंड ऑफ, ठीक है। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जीन के अंदर जिसकी वजह से जीन टर्न ऑन होगा या ऑफ होगा, वो हम स्टडी करेंगे एपिजेनेटिक्स में, ठीक है। एपिजेनेटिक्स में जो है हम डीएनए सीक्वेंस के अलावा जो जीन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं हम वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस दे मैम वो रिक्का ये बता रही थी कि उसकी अगर एक्सेस ज्यादा हो जाती है तो कैल्शियम की रिजॉर्प्शन से कैल्शियम की जो है ना उसकी रीअब्सॉर्प्शन। चलो अच्छी बात है, इंटेलेक्चुअल बच्चे हमारे, वेरी गुड। चले हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे थे एपिजेनेटिक्स। अच्छा कौन बताएगा व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? मैम जीन एक्सप्रेशन जो होता है उसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स में जीन एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? मैम जीन ऑन एंड ऑफ जो होता है, तो जीन ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ कर रहे होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बेसिकली हम जो स्टडी करते हैं कि जीन कैसे ऑन हुआ या कैसे ऑफ हुआ, उसका मैकेनिज्म क्या था, वो हम स्टडी करेंगे एपिजेनेटिक्स। एंड एपिजेनेटिक्स describes anything other than DNA sequence change. So DNA sequence के changes हम mutation और polymorphism में study करते हैं, but epigenetics में दूसरे changes होते हैं। अब वो changes क्या हैं? वो ये three different changes हैं। Number one पे भी हम methylation and acetylation और DNA RNA। Methylation का meaning क्या है? Methyl group का add होना। Acetylation का meaning क्या है? Acetyl group का add होना। इसके अलावा histone post translational modifications होती हैं। Histone क्या है? Proteins, ठीक है? और हिस्टोन में भी जो है वो एसिडाइलेशन होती है जिसकी वजह से जीन जो है वो टर्न ऑफ या ऑन होता है। देन वी हैव नॉन कोडिंग आरएनए मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग। जो नॉन कोडिंग आरएनएज हैं वो भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग करते हैं और उसकी वजह से जीन जो है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं और साइलेंस हो जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, बट ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि थ्री एपिजेनेटिक्स क्या है और मॉडिफिकेशन या एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशन क्या है। DNA methylation, addition of the methyl group to the 5-carbon at CpG site. CpG क्या है? Cytosine और guanine site के ऊपर जो methyl group add हो रहा है, that is known as DNA methylation. And DNA methylation is associated with gene silencing. ये बहुत important concept है. DNA methylation जो है, उससे gene turn off होता है, gene silent होता है. ठीक है, ये बात याद रखनी आप लोगों को। साइलेंसिंग मीन्स जीन का ऑफ होना, जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे मिथाइल ग्रुप जो है 5-carbon में ऐड हुआ और उसकी वजह से जो ये क्रॉस है इसका मीनिंग ये है कि जीन साइलेंट हो गया और टर्न ऑफ हो गया। अगर मैं बात करूँ हिस्टोन मॉडिफिकेशन की, अब हिस्टोन मॉडिफिकेशन में क्या होती है? डीएसिटाइलेशन और एसिटाइलेशन। अगर डीएसिटाइलेशन होगी, डीएसिटाइलेशन मीन्स कि एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो रहा है, because of that it will prevent the gene expression, which means कि हमारा gene जो है वो silent होगा because of deacetylation. इसके अलावा इसको जो carry out करता है इसके लिए एक enzyme है which is HDAC, histone deacetylase, ठीक है। ये याद होना चाहिए आप लोगों को कि deacetylation से gene के ऊपर क्या effect आएगा और उसको करने के लिए कौन सा enzyme काम करता है। Acetylation जो है वो histone acetyl transferase एक enzyme है HAT, ये एसिटाइलेशन करवाते हैं और जब एसिटाइलेशन होगी तो जीन एक्सप्रेस होगा। जीन के एक्सप्रेस होने का मीनिंग क्या है? जीन ऑन होगा, वो आगे जो भी है बॉडी उसके अंदर उसका एक्टिव फंक्शन होगा, रोल होगा, ठीक हो गया।
एक और बात आप लोगों को बता दूं कि जो डीएसिलेशन है उसमें जो ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो क्लोज होगा, ठीक है, वाइल्ड एसिडाइलेशन में आप देख सकते हैं कि रिलैक्स और लूज स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर वाइज भी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जीन का एक्सप्रेस नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए लूज क्रोमेटिन स्ट्रक्चर मीन्स के एसिडाइलेशन हुई है, एसिडाइलेशन मीन्स के जीन एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। Now we have HLA system. HLA stands for human leukocyte antigen. अब HLA system क्या करता है? मैम ये हमारी आइडेंटिटी होता है सेल का, इससे हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है हमारा ही बॉडी का सेल है। वेरी गुड। और जब हम HLA सिस्टम को स्टडी करते हैं, हर इंडिविजुअल का HLA सिस्टम डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये एक की पॉइंट है। बेसिकली जो हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, HLA सिस्टम का क्या रोल है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में, सिंस ईच इंडिविजुअल हैज एन स्पेसिफिक या यूनिक HLA सिस्टम, वो आगे फर्दर उसकी जेनेटिक सस्टेनेबिलिटी को प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। रोल क्या है HLA सिस्टम का, कि इट एनेबल्स द बॉडी टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन प्रोटीन्स वाया इम्यून सिस्टम एंड देन रिएक्ट टू देम। हमारा HLA सिस्टम जो है इन डिफरेंट स्पीशीज इट इज आल्सो नोन एज MHC, ठीक है, और इसके अलावा HLA सिस्टम की 3 डिफरेंट क्लासेस होती है, क्लास 1 2 एंड 3। और HLA सिस्टम के जो जीन्स हैं डिजीज कंडीशन में उनका जो जीन्स हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, ठीक है। सो एज एन इंडिकेटर हम जीन लेवल के ऊपर अगर किसी प्रेजेंस ऑफ डिजीज को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम HLA सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 6, 3 क्लासेस हैं इसकी, 1, 2 and 3। अब जो क्लास 1 है वो क्या करेगी, वो सेट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस करेगी विच विल एनकोड द सेल सरफेस प्रोटीन्स टू डिस्प्ले देम टू द कंट्रोलिंग इम्यून सेल्स, और क्लास 2 में इट विल एनकोड दोज प्रोटीन्स विच आर टू बी रिकग्नाइज बाई द इम्यून सेल्स, क्लास 3 में इट विल प्रोड्यूस दोज प्रोटीन्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ अ डिजीज, जो HLA सिस्टम है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या हो गए जी, कौन बोल रहा था आप? जी बिल्कुल, जो अपने ही इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और फाइट शुरू हो जाती है, ठीक है। अब HLA सिस्टम के जो जीन्स हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज टाइप 1 और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रेबीज डिजीज के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ये बेसिकली एक स्टडी है जिसने प्रूव किया था कि जो डायबिटीज है वो HLA सिस्टम के थ्रू आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। जीन्स स्पेसिफिक HLA सिस्टम के जो जीन्स हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल को डायबिटीज है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स की, ठीक है। अगेन ये ऑटोइम्यून डिजीज है और इट इज रिलेटेड विद एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, मिथाइलेशन, एसिडाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, वेरी गुड, और लास्ट में नॉन कोडिंग आरएनए मीडिएटेड जीन साइलेंसर। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्पेसिफिकली जो मिथाइलेटेड चेंजेस हैं वो होते हैं इन टी सेल्स एंड बी सेल्स एंड साइनोविन फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। अब बच्चों अब ये चीज़ जो है ना मैकेनिज्म की आप लोगों ने एज इट इज याद करना है। बी सेल्स और टी सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक सिर्फ रिव्यू है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टी सेल्स और बी सेल्स में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या रोल है। वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनोविन फाइब्रोब्लास्ट में क्या होता है, अगेन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारे HATs और HDACs जो दोनों एंजाइम्स हैं विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइलेशन एंड डीऑक्सीडाइलेशन ऑफ द हिस्टोन्स, उनका बैलेंस शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स HATs। HATs क्या करते हैं, एसिडाइलेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज HATs हाइपर एसिडाइलेशन, ठीक है। अब हाइपर एसिडाइलेशन का मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस होना, ठीक है। अब बेसिकली इसमें एसिडाइलेशन होती है, एक्सप्रेशन किसका होता है, इंटरल्यूकिन 6 का। सो बिकॉज ऑफ द हाइपर एसिडाइलेशन ऑफ द हिस्टोन्स इन द इंटरल्यूकिन 6 प्रोमोटर्स इट इंक्रीजेस द इंटरल्यूकिन 6 एक्सप्रेशन। अगर इंटरल्यूकिन 6 इंक्रीज होगा इट विल स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। सो बेसिकली जीन लेवल के ऊपर ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस अगेन इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और इसमें भी हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल्स और ग्रैनुलोसाइट्स है इनकी हाइपोमिथाइलेशन होती है विच आर मॉड्यूलेटिंग द फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम।
ठीक है. मिथाइलेशन से क्या होता है जी? साइलेंस होता है. अगर हाइपोमिथाइलेशन होगी तो क्या होगा? ज्यादा एक्सप्रेस होगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स और एरोसाइट से ज्यादा होंगे और हमारा ऑटोइम्यून डिजीज होगा. समझा अभी? फिर ये एग्जांपल है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए मिथाइलेशन एंड डायबिटीज. सो डायबिटीज में भी डीएनए की मिथाइलेशन होगी एट दी सीपीजी साइट. हार्ट की अगर हम बात करें तो कार्डियक हाइपरट्रोफी क्या होती है? आर्टेरियल फिब्रिलेशन. आर्टेरियल फिब्रिलेशन. ये कौन बच्चा है? मैं अरसलान. वेरी गुड अरसलान. बेसिकली हमारी वेंट्रिकुलर जो होती है उसकी साइज इंक्रीज हो जाता है और उसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है. अब इसमें क्या होगा जीन एपिजेनेटिक चेंजेस में क्या होगा? हिस्टोन की एक्सीडाइलेशन ज्यादा होगी. एक्सीडाइलेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन ज्यादा होगी. सो दो सेल्स विच आर इन्वॉल्व विद द ग्रोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट वो ज्यादा हो जाएंगे और ये कार्डियक हाइपरट्रोफी होगी. ठीक है जी. हार्ट फेलियर की अगर मैं बात करूँ इसमें वी हैव थ्री एंजियोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स व्हिच वर डिफरेंशियली मिथाइलेटेड. एंजियोजेनेसिस क्या होता है? मैम आर्टरी की फॉर्मेशन जो होती है. वेसल्स की फॉर्मेशन. आर्टरी फॉर्मेशन. वेरी गुड. ठीक है, ब्लड वेसल की फॉर्मेशन. सो एंजियोजेनेसिस रिलेवेंट जो भी जीन्स हैं वो उनकी मिथाइलेशन होगी और उसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है. एरिथमियाज. व्हाट इज एरिथमियाज? इरेगुलर हार्ट बीट. इरेगुलर हार्ट रिदम. वेरी गुड. अब इसमें क्या होता है कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन होगी बिकॉज एरिथमियाज क्या है? हमारे रेगुलर हार्ट बीट है. इसके अंदर आर्टेरियल फिब्रिलेशन होती है और आर्टेरियल फिब्रिलेशन अगेन इसके अंदर हिस्टोन की एसिटाइलेशन ज़्यादा होती है. सो स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ एचडीएसी जो कि हमारा इनहिबिट करेगा एसिटाइलेशन को, अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करोगे अपने ड्रग के थ्रू तो क्या होगा कि हम उसको रिवर्स करेंगे हमारी जो भी अभी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है और आप एरिथमियाज को ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है जी. अब ये एचडीएसी इनहिबिटर्स क्या कर रहे हैं? वो दे आर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोसिन ऑटोफेजी. इसके अलावा टू जीन्स इंक्लूडिंग P300 एंड CREBP दे आर आल्सो अफेक्टेड और लिंक्ड विद एचएटी एक्टिविटी. एचएटी क्या है? हिस्टोन ट्रांसक्रिप्टेज. वेरी गुड. एंड व्हिच इज कॉजिंग द हिस्टोन एसिटाइलेशन. इसके अलावा ये एक और काम करेगा कि एसेंशियल रोल ऑफ हिस्टोन एसिटाइलेशन स्टेटस विद द हाइपरट्रोफी रिस्पॉन्सिव जीन्स. और ये जो थ्री जीन्स हैं विच आर इन्वॉल्व विद द हाइपरट्रोफी इनकी भी एसिटाइलेशन होती है. अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं. हमें ये पता है कि डिफरेंट डिजीजेस के अंदर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस आ रही हैं. अब उन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं वो हम थ्रू डिफरेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स डाइटरी फैक्टर्स इसको मैनेज कर सकते हैं. सो नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सम बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो कि डीएनए मिथाइलेशन को अफेक्ट करते हैं. Bioactive food component including T polyphenol, genistein, isothiocyanates, they reduces the DNA hypermethylation. ठीक है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से बायोएक्टिव कॉम्पोनेंट्स जो हैं डी एन ए मिथाइलेशन को प्रमोट कर रहे हैं या उसको रेगुलेट कर सकते हैं. देन वी हैव लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास डाइट, स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है. अदर देन दैट वी हैव फोलेट, पोलीफिनोल्स, फ्लेवेनॉइड्स, लाइकोपीन, ऑल दीज डाइटरी कॉम्पोनेंट्स दे promote the DNA methylation. Environmental carcinogens and infectious agents, they also modify the DNA methylation. So these are the contributing factors jo ke epigenetic changes or modifications la sakte hain aur specifically DNA ki methylation mein role play karte hain. Okay? Environmental conditions during the critical developmental stages also influences the genomic stability. Critical developmental stages kya hain? कौन सी एज ग्रुप में आपका डेवलपमेंटल फेज है? एज ग्रुप की अगर बात करूँ तो कौन सी एज ग्रुप में आपके डेवलपमेंट होती है या चेंजेस आते हैं? मैम जब आप 13 के होते हैं आप मैच्योर 13 प्यूबर्टी आपकी स्टार्ट होती है. मैम मैम 9 से 13 इयर्स की एज में चाइल्डहुड.
वेरी गुड बच्चों, जब आपकी इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक आपके डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और स्पेसिफिकली प्यूबर्टी, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे पीक पे आपके डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं। अब पूरे लेक्चर में हमने ये बात पढ़ ली है कि हम अपने जीन्स को ब्लेम कर सकते हैं फॉर द रिस्क ऑफ अ डिजीज, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है या उसको मॉडिफाई कैसे करना है वो हम बाय द नॉलेज ऑफ एपिजेनेटिक्स उसको मैनेज कर सकते हैं। और एपिजेनेटिक्स के लिए जो फैक्टर्स इफेक्ट करें या कंट्रोल करें, इंक्लूड की डाइट, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एपिजेनेटिक्स को रेगुलेट करें। अगर आप अपने उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने जेनेटिक प्रॉब्लम और जेनेटिक डिजीजेस को मैनेज कर सकते हैं या टू सम एक्सटेंट आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे आज के लेक्चर का कंक्लूजन है कि आपने अपने लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट और अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मॉडिफाई करना है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रेफर कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बच्चों, आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया? जी बच्चों, आप अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस द लेक्चर व्हिच आई हैव शेयर्ड। मैम कुछ भी समझ नहीं आया। मैम स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। क्यों समझ नहीं आया बच्चों? मैम स्पीड बहुत ज्यादा थी और साथ साथ लिखने की कोशिश भी किया ना, तो वो मतलब गुजरता जा रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस आवाज के पीछे बहुत ज्यादा शोर भी आ रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी। अच्छा चलो मैं आप लोगों को बता देती हूं, स्पीड भी ज्यादा लग रही थी आपके बोलने की। और देखिए बात ये है कि हमारे जो रमजान के स्लॉट्स है ना वो बहुत छूटे हैं। ठीक है, तो अब हमें सिलेबस खत्म करना है। मैं आप लोगों को गो थ्रू करवा देती हूँ दोबारा। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हाट इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है, जेनेटिक मतलब के जीन्स, प्री मींस जो के प्री मींस बिफोर या पहले, ठीक है, और डिस्पोजिशन मींस के जो एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेज हमारा आज का मेन टॉपिक था, और इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स से जो न्यू जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस इंडिविजुअल का रिस्क फॉर अ डिजीज कितना है, टेंडेंसी या ससेप्टेबिलिटी फॉर दैट डिजीज कितना होगा, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। ठीक है, ये आज का मेन टॉपिक था। ठीक है, स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इनहेरिट करते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स हैं, योर कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस हैं। देन जो मेन कंसर्न था वो ये था कि आप जो पॉसिबल कॉजेज ऑफ इलनेस हैं या रिस्क ऑफ इलनेस है हम उसको भी इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर फैमिलीज। Then we discussed the changes in the DNA sequence और mutation और polymorphism में क्या difference होता है। ठीक है, अगर mutation क्या होता है, अगर एक जीन में change आ रहा है, alteration हो रही है of a nucleotide sequence of a gene, और अगर वही change जो है वो एक population के अंदर more than one time हो रहा है या रिपीटेडली हो रहा है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेसिक जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इनके ऊपर इतना जो है वो टाइम नहीं लगाया। मेन हमारा टॉपिक जो था वो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी के ऊपर था। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी मीन्स रिस्क या आप कह सकते हो टेंडेंसी। तो
जो ये कॉन्सेप्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी का, बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखें, इट मींस दैट इंक्रीज टेंडेंसी इन डेवलपिंग अ सर्टेन डिजीज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज नोन एज जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम, ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ब्रेक डाउन कर लोगे अपने वर्ड्स में तो आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। फिर मैंने मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किए थे, अगेन ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इनहेरिटेंस के, आप ये ऑलरेडी कवर कर चुके हो कि जो आपकी जेनेटिक मटीरियल की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है थ्रू डिफरेंट मोड्स या डिफरेंट फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स जो हैं वो ये फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है? पहला फैक्टर जो है वो है मेंडेलियन पैटर्न ऑफ डिजीज इनहेरिटेंस। मेंडेलियन पैटर्न्स होते हैं जो नॉर्मल आप लोगों का जीन सेट या जेनेटिक मटीरियल जब ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम मेंडेलियन पैटर्न्स कहते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या ससेप्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है एलीलिक हेट्रोजेनिटी, ठीक है? इसको अगर आप ब्रेक डाउन करो, एलीलिक मींस जो कि एलील से रिलेटेड हो, ठीक है? एलील्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलील्स? पार्ट्स ऑफ जीन, ठीक है? जीन के पार्ट्स। अगर किसी भी इंडिविजुअल में एलीलिक हेट्रोजेनिटी है या उसमें चेंज आ रहा है, म्यूटेशन हो गई है, वो भी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इसके एग्जांपल में बीटा थैलेसीमिया की एग्जांपल दी हुई थी, ठीक है? तो वो भी एक कॉज हो सकता है या फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी या प्रीडिस्पोजिशन ऑफ अ डिजीज हो। फिर हमारे पास एटियोलॉजिक हेट्रोजेनिटी आ जाती है, ठीक है? एटियोलॉजी जो है वो बेसिकली रेफर करती है एनवायरनमेंट को, ठीक है? तो इसको आप देख लें, एटियोलॉजिक हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी मींस के आपके जीन्स में वेरिएंस आ रही है। अच्छा, एटियोलॉजिक हेट्रोजेनिटी जो है वो फैक्टर्स को रेफर करती है जो कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट हो गया और आपका वाटर हो गया, सनलाइट है, ठीक है? ये सारे डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिजीज की ससेप्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। और एटियोलॉजिक हेट्रोजेनिटी में हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है? नॉन जेनेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम सेट ऑफ जीन्स के थ्रू नहीं हो रहा, बट एनवायरमेंट में ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो आगे पास हो रही है। इसकी एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे आप स्किन टोन की बात करो या स्किन कलर की बात करो, ठीक है? जो एशियन पॉपुलेशन है उसके जो स्किन टोन कम्प्लेक्शन है वो फेयर में जाता है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि यूरोपियन साइड पे रहते हों, ठीक है? वो जो है वो उनका कम्प्लेक्शन लाइट होता है, ठीक है? और हमारा एशियन का कम्प्लेक्शन जो है व्हीटिश होता है। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपके जीन्स में बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अब वो जो फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आपका स्किन टोन डिफर कर रहा है बेस्ड ऑन योर लोकेशन, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, वो एक एग्जाम्पल एटियोलॉजिक हेट्रोजेनिटी की, ठीक है? इसी तरह डिजीजेस भी जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं बेस्ड ऑन योर लोकेशन या बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट। जैसे पाकिस्तान में जो डिजीजेस होंगे, कॉमन डिजीज होंगे, वो डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू दोज डिजीजेस जो कि यूएस में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएस जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पे हाइजीन क्वालिटी डिफरेंट है, पाकिस्तान में हाइजीन क्वालिटी डिफरेंट है। इसी तरह वीट कंजम्पशन भी एक फैक्टर है जो डिस्कस किया गया था, सॉइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी एक एग्जाम्पल है एटियोलॉजिक हेट्रोजेनिटी की, ठीक है? फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है एपिजेनेटिक्स। बच्चों, ये जो एपिजेनेटिक्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये शुरू के थर्ड लेक्चर में ही मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया है, या आपने आगे जाके नहीं भूलना क्योंकि थ्रू आउट योर कोर्स आप बार बार ये वर्ड सुनोगे, ठीक है? अब एपिजेनेटिक्स क्या होते हैं? एपिजेनेटिक्स जो है वो चेंजेस हैं जो कि आपके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है? जीन एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है कि जीन जो है वो साइलेंट होगा या जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा।
जो भी चेंजेस आपके जीन के एक्सप्रेशन में आ रहे हैं वो एपिजेनेटिक्स में आते हैं, ठीक है। अब जीन के एक्सप्रेशन जो है वो या आप कह सकते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, एपिजेनेटिक चेंजेस जो हैं वो तीन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन ऑन द डीएनए आरएनए, सेकेंड वन इज हिस्टोन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज द नॉन कोडिंग आरएनए मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग। ये सारी चीजें आप आगे जाके आगे के लेक्चर्स में दोबारा डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के एपिजेनेटिक्स क्या है, बाय डेफिनेशन अगर मैं एक्सप्लेन करूं एपिजेनेटिक्स क्या है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने लिखवाई भी थी, इसीलिए लिखवाई थी ताकि आप लोगों को बताओ। सो एपिजेनेटिक इज द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। हम इसमें जीन की एक्टिविटी और एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं, और इसमें जो है वो हम डीएनए सीक्वेंस को नहीं स्टडी करते, हम बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं कि जीन जो है वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। और कौन कौन से टाइप के एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, तीन डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं डीएनए मिथाइलेशन से। डीएनए मिथाइलेशन बेसिकली डीएनए की जब भी मिथाइलेशन होगी, आप इसको ब्रेक डाउन कर लें, डीएनए मिथाइलेशन मीन्स के मिथाइल ग्रुप जो है वो डीएनए के साथ जाकर अटैच हो रहा है। मिथाइल ग्रुप जब डीएनए के साथ अटैच होगा तो उससे जीन साइलेंट होगा, जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। ये एक टाइप ऑफ एपिजेनेटिक चेंज है जो कि होता है आपकी बॉडी में, और अगेन एपिजेनेटिक चेंजेस जो है वो डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें से एक एनवायरमेंट भी आ जाती है, डाइट भी आ जाती है, ये लाइफ स्टाइल आ जाती है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके एपिजेनेटिक्स को इफेक्ट कर रहे हैं, आपके जीन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ कि एपिजेनेटिक चेंजेस कौन कौन से होते हैं। दूसरा जो चेंज था वो था हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अब हिस्टोन में भी एसिटाइलेशन और डीएसिटाइलेशन होती है, ठीक है। अगर डीएसिटाइलेशन होगी तो जीन जो है वो साइलेंट होगा, अगर एसिटाइलेशन होगी तो जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा। बस आपने इसमें जो है ना यही याद करना है कि मिथाइलेशन से क्या हो रहा है, एसिटाइलेशन और डीएसिटाइलेशन से क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है या साइलेंट हो रहा है, और नॉन कोडिंग आरएनए से क्या होता है। इसके अलावा एसिटाइलेशन में इन्होंने दो एंजाइम्स जो है वो डिस्कस किए हैं, एचएटी और एचडीएसी। ये नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए। एचडीएसी जो है वो डीएसिटाइलेशन करवाता है, एचएटी जो है वो एसिटाइलेशन करवाता है। एचएटी की वजह से जीन एक्सप्रेस होगा, टर्न ऑन होगा, एचडीएसी की वजह से टर्न ऑफ होगा। फिर हमने एचएलए सिस्टम को भी डिस्कस किया है। ये भी वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। एचएलए सिस्टम जो है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम है, और अगेन इसका जो रोल है वो ये है कि बॉडी में रिकग्नाइज करता है फॉरेन प्रोटीन्स को, फॉरेन बॉडीज को, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जीन लेवल के ऊपर हम जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, मेन टॉपिक इस लेक्चर का क्या है, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डिजीज। तो जो एचएलए सिस्टम है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि जिसके ऊपर आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डिजीज भी डिपेंडेंट होता है। और एचएलए सिस्टम्स जो हैं ये अगेन आपके जीन्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने शेयर की गई एग्जांपल ऑफ डायबिटीज की। एचएलए सिस्टम क्या है, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, यानी ये इट इज प्रेजेंट एट क्रोमोजोम 6, ये जो रेड बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फर्दर इसकी क्लासेस क्या है, 3 क्लासेस में क्लासिफाई होता है, तीनों क्लासेस का अपना अपना फंक्शन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मेन कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर में एचएलए सिस्टम को डालने का पर्पस ये था कि आपको पता होना चाहिए एचएलए सिस्टम जो है वो आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ कैसे रिलेटेड है। अब एचएलए सिस्टम जो है ना वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ रिलेटेड है, और इसमें ये तीनों डिजीजेस जो है वो डिस्कस किए गए हैं, टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। मैम 9:00 नेक्स्ट क्लास है, सॉरी मुझे पता है बच्चों जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो अगेन एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है,
और इसमें भी जो है एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से जेनेटिक चेंजेस आते हैं, ठीक है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होती हैं इसमें, और इसमें स्पेसिफिकली मिथाइलेशन हो रही है टी सेल्स बी सेल्स की। फिर एक और ऑटोइम्यून डिजीज डिस्कस किया गया विच इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, और इसमें भी जो है वो हाइपोमिथाइलेशन होती है आपके वाइट ब्लड सेल्स की। ये वो चीजें हैं बच्चों जो कि आपको एज इट इज याद करनी होंगी कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या कौन से एपिजेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट डिजीजेस में। डायबिटीज में भी जो है वो मिथाइलेशन होती है, और हार्ट डिजीज में इन्होंने कार्डिक हाइपरट्रॉफी को डिस्कस किया था, और उसमें हिस्टोन्स की एसिटाइलेशन होती है। हार्ट फेलियर में एंजियोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स जो हैं उनकी मिथाइलेशन होती है। और लास्ट में जो एक चीज डिस्कस की गई थी इट वाज अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि आपके एपिजेनेटिक चेंजेस को इफेक्ट करते हैं, जिसमें से एक डाइटरी फैक्टर्स को डिस्कस किया गया, और फिर इसके बाद आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स को डिस्कस किया गया। इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, स्मोकिंग, बॉडी वेट, ये सारी चीजें आ गई थी। फिर इसके अलावा फोलेट का क्या इफेक्ट होता है, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस, दीज आर दी डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एपिजेनेटिक चेंजेस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर, और इसको आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।